सतपुरा टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व मूल रूप से तीन हिस्से में बटे हुए हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बोरी सेंचुरी एवं मढ़ई नेशनल पार्क। ये मढ़ई नेशनल पार्क एक मिक्स्ड रेसिडुअल फॉरेस्ट है। यहाँ पे वाटर बॉडी, ग्रासलैंड, प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया और हिली टेरेन, इन सभी तरह के जंगल यहाँ मिलते हैं, जिस कारण यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ के वाटर बॉडी के पास कई प्रकार के वाटर बर्ड जैसे कि ये कॉर्मोरेंट, इनको स्पॉट कर सकते हैं। ये है ब्लैक विंग स्टिल्ट। ये है सैंड पाइपर। ये बर्ड ज़्यादातर जो छोटे स्नेल या फिर जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं इनको खा के ज़िंदा रहते हैं। ये है रिवर टर्न। कॉर्मोरेंट के जैसे ये बर्ड भी यहाँ के रेसिडेंट बर्ड हैं, जो कि गर्मी के मौसम में आपको नदी किनारे या फिर नदी के टापों में नेस्टिंग करते हुए दिख सकते हैं। आप ज़्यादातर इसको नदी के किनारे हूवरिंग करते हुए या फिर उड़ते हुए सडनली डिप करते हुए भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई प्रकार के नदी किनारे दूसरे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जैसे ही हम नदी से जंगल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के बुश हैबिटेट के बर्ड पाए जाते हैं, जिनमें से यह है प्लम हेडेड पैराकेट। ये प्लम हेडेड पैराकेट इंडिया में पाए जाने वाले पैराकेट में से सबसे छोटे सदस्य हैं। यह है हमारे नेशनल बर्ड यानी कि पीकॉक। आप अगर बहुत लकी हुए तो आपको ये पीकॉक ऐसे पंख फैला के मेटिंग डिस्प्ले करते हुए भी मिल सकते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के एंटलर स्पीशीज मिलते हैं, जिनमें से स्पॉटेड डियर, उसके साथ साथ ही इंडिया में पाए जाने वाले एंटलर स्पीशीज में से सबसे बड़े सदस्य सांबर डियर ये भी दिख सकते हैं। ये सांबर डियर जो हैं इनके सिंग यानी कि एंटलर जो है वो हर साल गिर जाते हैं, देन फिर अगले साल नए सिंग उगते हैं, जिस कारण जंगल में कई जगह पे हमको ये सिंग देखते मिलते हैं। मढ़ई नेशनल पार्क में आपको इंडियन गौर भी मिल सकते हैं। हालांकि ये जो इंडियन गौर हैं ये हमारे काउ फैमिली से काफ़ी करीब हैं। एक एडल्ट इंडियन गौर के वेट जो मेल है उनके वेट लगभग 1200 से 1400 केजी तक भी हो सकते हैं। इनके पैरों पे ये वाइट सॉक्स को देख के हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इंडियन गौर एक हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। इंडियन गौर लगभग आपको ज़्यादातर ग्रुप में ही देखने को मिलेंगे और ग्रुप से बिछर के जो सिंगल मेल अलग मूव करते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं। ये स्लॉथ बियर है।
स्लॉथ बियर एक ओमनिवोरस एनिमल है और ये बहुत ही ज़्यादा एक अपॉर्चुनिस्टिक एनिमल है। ये अपने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने फूड हैबिट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जंगल के आते ही लेपर्ड या दूसरे कैट स्पीसीज के साथ ही जंगल में घुसते ही जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं वह है टाइगर, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। मढ़ई नेशनल पार्क लगभग 50 से ज़्यादा टाइगर के घर हैं। यहाँ पे अगर आप लकी रहें तो यहाँ पे आपको टाइगर के भी स्पॉटिंग हो सकते हैं। ये टाइगर एक कार्निवोरस एनिमल होते हैं और ये एक टाइगर के टेरिटोरी करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये टाइगर के रहना एक इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये टाइगर अपने इकोसिस्टम में एक टॉप प्रीडेटर होते हैं। इसके साथ साथ यह मरई नेशनल पार्क में आपको इंडियन वाइल्ड डॉग यानी कि जिसको हम ढोल कहते हैं ये भी दिख सकते हैं। ये ढोल एक बहुत ही सक्सेसफुल शिकारी होते हैं जो कि पैक में मूव करते हैं। इनके पैक के साइज काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, लगभग 20 से 30 तक भी हो सकते हैं और इसके हंटिंग के सक्सेस रेट अगर हम देखें तो ये 70-80% भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जंगल में शिकार करना और उस शिकार के लुप्त उठाना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ हर मोड़ पे चैलेंज खड़े हुए रहते हैं। आपको यहाँ इन वाइल्ड डॉग को चैलेंज करते हुए और उनके खाना उनसे छीनते हुए एक वाइल्ड बोर भी मिल सकते हैं और ये वाइल्ड बोर एक ओमनिवोरस एनिमल होते हैं। ये खुद तो हंटिंग नहीं करते लेकिन ये दूसरे के शिकार छीनने में काफ़ी माहिर होते हैं। लेकिन लास्ट में इन वाइल्ड डॉग के जो यूनिटी है ये इनसे ज़्यादा पावरफुल जो वाइल्ड बोर है उसको भी भगाने में कामयाब हो जाते हैं।